दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ड्रिंक विस्की। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि विस्की को किस नाम से या विस्की का अर्थ क्या है। विस्की जो कही जाती है वो वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है। सबसे मजेदार बात जो है वो इसको जिंदगी का पानी कहा जाता है और लोग इसको कैसे कैसे पीते हैं ये आपको पता ही है। कोई तो ऐसे डालता है, उसको मिलाता है और घंटा खत्म हो जाता है। तो जैसा इसका नाम है वाटर ऑफ लाइफ, तो उसको उस अंदाज में अगर आप पिए तो वो एक अलग टेस्ट, एक अलग मजा देती है। तो आज हम बात करेंगे। देखिए वैसे तो कोई मेथड है नहीं कि हाउ टू ड्रिंक विस्की, कोई इसका कोई गणित नहीं है। आप पानी मिलाएं, आप सोडा मिलाएं, आप कोल्ड ड्रिंक मिलाएं और आप पी सकते हैं। बट आज जो हम बातें कर रहे हैं कि मास्टर ब्लेंडर्स अगर आपको आपके लिए कोई चीज इतने प्यार से बना रहा है, उसमें उसको इतने ध्यान से उसको बनाया जा रहा है, तो हम भी उसका थोड़ा सा मान रखें और उसको उसी अंदाज में पिए ताकि जो जाम हमारे हाथ में है, जो जाम हम पीते हैं उसको हम इंजॉय कर पाए। तो आइए मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको पिया जा सकता है और किस किस तरीके से पी सकते हैं। तो दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विस्की को ड्रिंक करने से पहले। एक टूल होता है जिससे हम विस्की को नापते हैं, जिसको हम डबल पैक मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दो पोर्शन में ये होता है। एक पोर्शन में 30 ml का ये ऊपर होता है और दूसरी साइड में 60 ml का होता है। एक तरफ 30 ml, एक तरफ 60 ml। जो भी विस्की लवर हैं वो डिफरेंट तरह के पैक बनाकर पीना पसंद करते हैं। कोई 30 ml का पैक पीना पसंद करता है और कोई 60 ml का पैक पीना पसंद करता है। तो उसकी मेजरमेंट के लिए ये टूल यूज होता है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत भी होता है। दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि किस तरह का ग्लासवेयर हमें विस्की के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्लास, जिसकी वजह से आपके विस्की का टेस्ट और विस्की का अरोमा और आपका मूड, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं आपके ग्लास के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को, अपने उन भाइयों को जो डिस्पोजेबल ग्लास यूज करते हैं, उनके लिए बोलता हूँ कि उनको वो ग्लास नहीं यूज करने चाहिए। आप चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप घर पे बैठे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का अपना एक अरोमा होता है और जब आप प्लास्टिक के ग्लास में विस्की को पीते हैं तो प्लास्टिक का अरोमा और विस्की का अरोमा दोनों का मैच मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल टेस्ट आना चाहिए उसका वो नहीं आ पाता है। तो अब हम बात करते हैं इस ग्लास की। ये शॉट्स में यूज होता है। जनरली जो शॉट्स होते हैं वो या तो टेकिला का होता है या वोडका का होता है। तो इसको अगर आप विस्की का शॉट बना के पियेंगे तो आपको विस्की का टेस्ट की तो बात ही छोड़ दें, वो इतना बर्निंग फील करेगा कि वो आपको बहुत अंदर तक जलता हुआ ऐसा महसूस होगा कि वो अंदर सारा चल गया। तो नॉर्मली ये ग्लास जो है विस्की के लिए यूज नहीं होता, बट हाँ शॉट्स के लिए जिसको पीना है और समझ लो चार के बाद बिल्कुल ढेर हो जाना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इस तरह का ग्लास। ये अगर आप नीट विस्की पीते हैं तो विस्की को पीने के साथ साथ उसको स्मेल करना, उसको नोज करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब अगर आप इतना बड़ा ग्लास लेते हैं और उसको नीट पीते हैं तो उसको नोइज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लास की बहुत लेंथ ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको नोइज नहीं कर पाते हैं। तो उसका हालांकि सब लोग उसको रिव्यू के लिए नहीं विस्की को पीते हैं या उसको रिव्यू नहीं करते हैं, बट ये अगर आपको रिव्यू करना है, उसको पूरी विस्की को का टेस्ट लेना है तो ये ग्लास उसके लिए वर्थफुल नहीं है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं हम ऐसे ग्लास की। तो ये ग्लास जनरली वाइन के लिए यूज होता है, बट अगर इसमें विस्की पी रहे हैं तो इसका सबसे जो बेहतरीन पार्ट है वो ये है कि एक तो इसकी लेंथ के साथ साथ में ये छोटा साइज में छोटा है, और अगर आप इसको विस्की को इसमें डालकर पीते हैं तो आप उसको नॉइज भी कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे घुमा भी सकते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि अगर आप इसमें विस्की डाल के पीते हैं तो नीचे से इसको पकड़ सकते हैं, इसमें स्टैंड दिया हुआ है रखने के लिए, नीचे से आप इसको पकड़ सकते हैं, तो इसकी इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो आपके हाथ की गर्मी से जो आपका जो बैग है वो गर्म नहीं होगा, जो विस्की है वो गर्म नहीं होगी। तो आप इसको नोइज भी कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी ले सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि हर आदमी उसका विस्की का रिव्यू करने के लिए उसका टेस्ट या उसकी फील या उसको फ्रेगरेंस जो उसका है, अरोमा उसका है, वो उसको उसके लिए नहीं पीता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इस ग्लास की। ये जनरली जो ओल्डेस्ट फैशन है और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है विस्की पीने के लिए वो इस तरह का ग्लास होता है। ये थोड़ा सा बल्की भी है और इसका जो बेस है वो काफ़ी हैवी होता है। और इसमें हालांकि क्या है कि जब हम इसमें विस्की डालते हैं तो उसको नॉइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, बट क्योंकि इसका ये बड़ा जो ऊपर से है ये काफ़ी चौड़ा है, बट ट्रेडिशनल की हम बात करें तो यही ग्लास बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी ऐसे ही ग्लासों को यूज़ करता हूँ विस्की टेस्ट करते हुए या उसको उस अरोमा के लिए। तो ग्लासवेयर की बात करते हैं तो ये पूरा एक सेक्शन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं विस्की पीने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि अगर विस्की को आइस के साथ पीते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उससे कैसा फील होता है। जैसे देखिए आपको अगर आइस अगर आप विस्की के अंदर डालते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उसके अंदर पानी की क्वांटिटी और बढ़ जाती है, जो ऑलरेडी उसके अंदर 60% अवेलेबल रहता है तो वो आइस के साथ उसकी क्वांटिटी, जैसे आइस पिघलता जाता है तो उसके अंदर वाटर और ज़्यादा होता जाता है। तो और सबसे मज़ेदार बात जो है कि अगर आप आइस डालते हैं तो जो विस्की है वो आपकी वो चिल्ड हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो जब वो ठंडी हो जाती है तो जो उसका टेस्ट है, जो उसका अरोमा है, वो उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग आइस के साथ पीते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर मैंने कहा ना जैसे बहुत सारे लोग रिव्यू करने के लिए नहीं पीते हैं, सिर्फ पीने के लिए पीते हैं, मज़ा लेने के लिए पीते हैं, तो सिंपल वो उसका अरोमा और फील थोड़ा सा डाउन कर देती है। जैसे आपने बियर के बारे में देख सुना होगा, जब बिल्कुल चिल्ड बियर हम पीते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग तरह का आता है और जब वो गर्म हो जाती है तो उसका बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वाटर की। तो विस्की के अंदर ऑटोमेटिक 60% वाटर होता है, लेकिन जनरली क्या होता है हमारी इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग विस्की के अंदर पानी मिलाकर पीते हैं, जबकि विस्की जो है वो वाटर सोल्युबल नहीं होती। अगर आप कुछ उस पर एडिशनल एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो उस विस्की के ग्लास के अंदर एक चम्मच पानी डाल दें, वाटर डाल दें, तो उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप देख पाएंगे कि उसका टेस्ट जो कुछ ऑयल टाइप जो होता है वो ऊपर जाता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह के होते हैं क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं होता विस्की के, तो उससे आपकी विस्की का जो टेस्ट है उसका जो अरोमा है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। बट मैंने आपसे कहा कि मैं क्या बोलता हूँ या कोई एक्सपर्ट क्या बोलता है उससे नहीं, कोई उस बात को कोई नहीं मानता है। आपको जिस तरह से आप पीना पसंद करते हैं उस तरह से ही पीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं मिक्सर में, लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं, कोक पसंद करते हैं विस्की के साथ लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विस्की के साथ कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका मन करता है विस्की के साथ वैसा आप करें, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट क्या बोलता है वो मैटर नहीं करता या मैं क्या बोलता हूँ वो मैटर नहीं करता। आपको जिस तरह से विस्की का टेस्ट अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको विस्की अच्छी लगती है पीने में, आपको वो उस तरह से पीना चाहिए। बट हाँ, एक जो पर्टिकुलर कुछ जो चीज़ें तो इम्पैक्ट हैं विस्की के साथ में वो क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप विस्की पीते हैं तो विस्की के साथ में अगर आप कोक ले रहे हैं तो कोक के अंदर काफ़ी क्वांटिटी होती है शुगर की, और अगर आप 3 पैक ले रहे हैं तो आप 3 ग्लास कोक भी उसके साथ पी रहे हैं, तो आपकी जो शुगर जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोक के साथ पी रहे हैं विस्की को तो आप अपना शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो दोस्त अब
दोस्तों अब आ जाती है बात नॉर्मली सोडा के ऊपर। बहुत सारे लोग विस्की के साथ में सोडा को मिक्स करके पीते हैं, ये प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड की का वाटर होता है, इससे कुछ स्पार्कल्स आपके अल्कोहल के साथ में बन जाते हैं और जब आप इसको पीते हैं तो आपको उसके साथ विस्की को पीने में थोड़ा सा फिजी फील होगा। इसका विस्की का जो अरोमा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा थोड़ा सा, बट इसके साथ पीने में आपको एक अलग तरह का फील, एक अलग तरह का मजा आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर विस्की को एनर्जी ड्रिंक के साथ भी पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो एक फेमस नाम है वो रेडबुल है, जो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में बिकता है और बहुत सारे लोग अपनी ड्रिंक को रेडबुल के साथ में पीते हैं। तो रेडबुल के साथ पीने में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा मैटर है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में कैफीन होती है, तो जो और विस्की के अंदर ऑलरेडी थोड़े से कंटेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो हमारा थोड़ा सा बीपी को हाई कर देते हैं, और कैफीन भी पैरेलल वही काम करती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा फास्ट कर देती है। तो जो लोग बीपी के पेशेंट हैं या जो जिनको थोड़ा बीपी का इशू है, तो मैं उनको पर्सनल सजेशन दूंगा कि वो एनर्जी ड्रिंक यूज़ ना करें। अब ये देखो, फिर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि हर आदमी रिव्यू करने के लिए नहीं पीता है, हर आदमी उसको नोइज करने के लिए नहीं पीता है, हर एक्सपर्ट बैठ के कुछ भी बोल सकता है। आपको जिस तरह से टेस्ट आता है विस्की का, आपको उस तरह से विस्की पीना है, पीना चाहिए। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो मजे के लिए हमें पीना चाहिए। इसको पीकर नशा करके कोई चीज समाज में इस तरह से ना करें जो लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका डाले। आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह विस्की को एंजॉय करें, विस्की का मजा लें, उसका अरोमा को फील करें और अपने विस्की की प्रेजेंस बॉडी के अंदर जो है उसको उसका मजा लें। रिस्पॉन्सिबली पिएं, पीकर कभी भी ड्राइविंग ना करें। बहुत सारी फैमिली आपके साथ जुड़ी है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है, स्टे सेफ और बाकी के लोगों को भी ये फील कराएं कि आप मजा ही कर रहे हैं बजाय किसी एडिक्शन या किसी और चीज तरह की चीज में जाने के। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में मुझे कमेंट्स जरूर लिख के दीजिएगा। अगर इस टॉपिक पर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो मैं और बहुत सारी वीडियोज इस टॉपिक पर लेकर आऊंगा जो आपके लिए होंगी।